अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे जिस लड़के को हम देखने आए हैं वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। जी मैं अभी बुला कर लाती हूँ। मम्मी जी मैं बुला कर लेकर आती हूँ। जाओ। अरे पंडित जी प्रणाम। जय श्री श्याम। वो मैंने आपको समर और मेरी पोती जोही की कुंडली भिजवाई थी ना, क्या हुआ उसका? हाँ हमने उन दोनों की कुंडली बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है, लेकिन कुंडली के अनुसार राहु दोष है जिसके चलते विवाह में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। है पंडित जी, तो फिर दोष कैसे दूर करें, कोई उपाय? जी हाँ, इसका उपाय है ना, इसके लिए लड़की की माँ को जोधपुर में खाटू श्याम की मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाने होंगे। लड़की के माँ बाप नहीं है? और अगर लड़की के माँ बाप नहीं है तो? यह शुभ कार्य उसकी दादी भी कर सकती है। अब अगर मैं तीर्थ पर चली जाऊंगी तो फिर अपनी पोती की शादी कैसे करूंगी मैं पंडित जी? और मेरे पीछे से अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसका क्या होगा? देखिए वह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अगर आप वहां जाकर 1000 नारियल चढ़ा देती हैं, यह दोष नष्ट हो जाएगा और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह। अपनी प्यारी पोती के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर तो जा ही सकती, इससे अगर उसके और समर की शादी हो जाती है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जुगत लगानी होगी। भैया वहां क्या कर रहे? फोन उठाओ जुई मेरा। समर भैया आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे लड़की वाले आपको बुला रहे हैं। भाभी मुझे अपनी मुंह दिखाई नहीं करवानी। माँ ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे लड़की वालों को घर बुला सकती हैं? खुद कहती हैं कि शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मेरी शादी कोई मजाक बनाती। भाभी मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना है। समर भैया मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आपकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन समर भैया वो हमारे बड़े हैं और वो जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। इसमें किसकी भलाई भाभी? मैं जिस लड़की को जानता नहीं पहचानता नहीं, जिसे मैंने आज तक देखा नहीं है, उस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? कल को हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो जिंदगी तो हम दोनों की खराब हो जाएगी ना। समर भाई आपको पता है जब नाहर जी और मेरा रिश्ता तय हुआ था तब हम दोनों भी एक दूसरे के लिए अनजान थे, हम भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब हम दोनों पहली बार मिले तब खाटू जी ने मुझे संकेत दे दिया था कि जैसे नाहर जी को उन्होंने मेरे लिए ही भेजा है। आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। समर भैया पहली मुलाकात में ही दिल को एहसास हो जाता है कि सामने वाला आपके लिए सही है या नहीं। और समर भैया मेरी मानिए तो आप एक बार उस लड़की से मिलकर देखिए, क्या पता उससे मिलकर आपको कुछ एहसास हो जाए। अच्छा या फिर ना भी हो तो आप उस रिश्ते के लिए मना कर दीजिएगा, और इसमें भी मैं आपका ही साथ दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है बाबू, आप कहती है तो मैं उस लड़की से मिल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जूही और मेरे बीच की सारी गलत फहमियां दूर करनी है। अब ये देखो उसको कब से फोन करो फोन ही नहीं उठा रही। समर भैया आप जूही को थोड़ा वक्त दीजिए, एक लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगना और उस इल्जाम को भूलना इतना आसान नहीं होता है, आप थोड़ा सब्र रखें, जो ही खुद आपको कॉल कर लेगी। ठीक है भाभी आप चलिए, मैं फोन चार्ज पे लगा के आता हूँ। जी जी जल्दी आइएगा। जी तीर्थ यात्रा? जी प्रतीक के पापा, अभी थोड़ी देर में ट्रेन है,
मुझे अब निकलना होगा। लेकिन पूनम, ऐसे अचानक आपने तीर्थ यात्रा के बारे में न तो कभी जिक्र किया न किसी को कुछ बताया, अचानक से कैसे तय कर लिया? वो पिंगू की शादी होने तक मन्नत मांगी थी ना मैंने कि किसी को इस यात्रा के बारे में नहीं बताऊंगी। अब मेरे लाडेसा की शादी हो गई है, नहीं वो घर आ गई है, ये है संभालेगी सब कुछ, है ना जी? मैं हूँ घर आती हूँ। तो मैं चलू प्रतीक के पापा, ख्याल रखना तुम बेटा, हाँ पूरे घर का। क्या बलक, मैंने सोचा था कि तेरी दादी सास को सबक सिखाएंगी, लेकिन वो तो पहले ही भाग रही है। हमें वो दो चार दिन में वैसे भी वापस आ जाएंगी, और अच्छा ही है ना, तब तक हम ये भी सोच लेंगे कि हमें दादी जी के किए का एहसास उनको कैसे कराना है। वैसे आपकी बहू ने कचौरी तो बहुत ही अच्छी बनाई है। वैसे समर को आने में बहुत टाइम लग रहा है। लो समर आ गया। जी ये हमारा बेटा समर। अब समर ये मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया और ये उनकी बेटी निशा। हाय समर, आई एम निशा। कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? नहीं निशा जी, आपके फेस पर कुछ नहीं लगा है। समर भैया क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? सब ठीक है? समर ये लोग देखने आए मुझे, लो देखो मुझे, देखो पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, ठीक है? कैसा हूं मैं ये देखो, मेरा साइड प्रोफाइल सुंदर हूं ना काफी, और ये देखो मेरे बाइसेप्स अच्छे है ना? समर, समर क्या कर रहा है? अरे भैया मेरा रिश्ता तय हो रहा है, मुझे बधाई दो बधाई। समर, सोनी जी, हा? ये समर इतना हंस क्यों रहा है? इसने कोई शराब वराब पी है या और कोई नशा करता है? नहीं मेरा बेटा पीता नहीं। देखो मम्मी को गुस्सा आ रहा है। मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? मुझे तो टेंस होना चाहिए, मेरी मुंह दिखाई है आज, मुझे तो सीरियस होके चाय की ट्रे लेके आनी चाहिए, पर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। समर तू चल यहाँ से। अरे अरे अभी तो मैंने लड़की को ठीक से पसंद भी नहीं किया है। अरे रुको, आ याद आया याद आया। सुनो निशा, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना, तुम इस पूरे घर को संभाल लोगी ना? हमने सुना था कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शराब पी थी, पर इन्हें देख के तो लगता है कि इन्हें शराब की लत है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।